नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेलो युवा किसान पर। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफ़को के एक ऐसे इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट की जिसका गन्ने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। जी हाँ भाइयों, आज हम बात करेंगे इफ़को के शीरा सागी की, जिसमें इमीडाक्लोरोपिड 40% तथा फिप्रोनिल 40% के साथ आता है। किसान भाइयों, शीरा सागी एक ऐसा इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट है जो गन्ने में होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियों की रोकथाम करता है। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल स्प्रे के रूप में जड़ों के नज़दीक किया जाता है। साथ में किसान भाई इसको गन्ना बोते समय भी इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, किसानों के द्वारा इसका इस्तेमाल वाइट ग्रब, दीमक तथा अनेक प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। मैं इसका इस्तेमाल पिछले 4 सालों से करता आ रहा हूँ। इस साल भी मैंने इसका इस्तेमाल अपने अक्टूबर में बोए हुए गन्ने में इस्तेमाल किया है। किसान भाइयों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल आपको किस प्रकार से करना है। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका एक पैकेट जिसकी मात्रा 100 ग्राम होती है, उसका इस्तेमाल लगभग 3 से 4 बीघे के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप इसके घोल को समान रूप से एक अलग बाल्टी में मिला लें। इसके उपरांत आप अपने स्प्रे मशीन में बराबर मात्रा लेकर इसका घोल जड़ों के गन्ने की जड़ों के समीप डालें। इसका इस्तेमाल आप फरवरी मार्च में बोए हुए गन्ने में पहले या दूसरे पानी पर इस्तेमाल करें। अगर आपने इसे बुआई के समय इस्तेमाल किया है तो फिर इसका इस्तेमाल आप दोबारा में काफ़ी लेट करें या ना करें, क्योंकि इसका असर काफ़ी लंबे दिनों तक रहता है। किसान भाइयों, इफ़को का ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा उत्पाद है। ये इसका इस्तेमाल आप कोरोजन, पटेरा या अनेक प्रकार की जो आप गन्ने में दवाई लगाते हैं उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं अपने गन्ने में इसके अलावा किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करता हूँ। किसान भाइयों, इसका रिज़ल्ट गन्ने में काफ़ी बेहतरीन है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप गन्ने में एक अलग ही फ़र्क देखेंगे। इससे आपके खेत में बराबर बीमारियों के प्रकोप से सुरक्षा मिलती रहेगी। किसान भाइयों, आप एक कैन जो कि 15 से 16 लीटर की होती है स्प्रे की, उसका उपयोग आधे बीघे के आसपास हो जाता है। इस हिसाब से आप अपना पानी का घोल बनाएं। धन्यवाद किसान भाइयों।